हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड की प्रसिद्ध भटकी दाल या भटकी चुड़कानी। अगर इसकी गुणवत्ता की बात करें ना, तो ये प्रोटीन से भरपूर होती है और इसकी तासीर गर्म होती है। ये कई तरीक़ों से बनाई जाती है, जैसे भटके डुबके, भटका जौला और हाँ, इसकी चटनी भी बनती है। अगर आपको इन सब की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट पर ज़रूर बताना। और भटकी दाल की रेसिपी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी दाल ख़राब हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी प्याज नॉर्मल कटा हुआ, एक छोटी चम्मच साबुत धनिया, एक छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, आधी कटोरी बेसन। ये मसाले एक कटोरी भटकी दाल के लिए हैं, इससे 3 से 4 लोगों के लिए दाल बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ली है एक लोहे की कढ़ाई, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के तेल डाला है, सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी बनती है ये। उसमें मैंने साबुत धनिया डाला और फिर प्याज डाला। प्याज डालते ही मुझे भटकी दाल उसमें डाल देनी है, क्योंकि भटके दाल के साथ भी प्याज पक जाएगा। ये देखिए, ऐसे पकाते रहना है इसको, और ये जब पक जाएगी ऐसे घुमाते रहना ताकि वो नीचे ना लगे। और जब ये पकती है ना, भटकी चटकने की आवाज़ आती है। ये देखिए, मुझे चटकने की आवाज़ आने लग गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, ये देखिए। और प्याज ना इसमें जलता नहीं है इस तरीके से बनाने से, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। ये देखिए, बेसन ऐसे घुमाते रहना है इसको ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू बेसन की भी आने लग गई है इसमें। और बहुत लोग इसमें आटा भी डाल के बनाते हैं, पर मैंने बेसन डाल के बनाया। ये देखिए, ऐसे घुमाते रहना है 5 मिनट के लगभग, इसको मैंने ऐसे पकाना है। ये मैंने पानी पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें 2 गिलास भर के पानी पहले डालूँगी, ये देखिए। फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, मसाला, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, और ये देखिए, फिर मुझे इसको ऐसे घुमाना है। ये मसाले मैंने ऊपर से इसलिए डाले क्योंकि ये दाल ना 25 मिनट तक कम से कम मुझे पकानी है, तो उसमें आराम से मसाले पक जाते हैं। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी पहले, ये देखिए। वाओ, ये देखिए, थोड़ा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको पतला ही रखना है, क्योंकि मैं इसको भात के साथ खाने वाले हैं हम लोग इसको। ये देखिए, वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, 5 मिनट के करीब मैं इसको और पकाऊंगी, तो टोटल मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक पकाया है। ये देखिए, खाओ फिर भटकी दाल और भात। ये देखिए, धनिया से गार्निशिंग कर दिया मैंने इसको। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।